हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम जावा में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो जो क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे पर्सन क्लास हुई, पर्सन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, राम, श्याम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पर्सन क्लास हुई एंड जो राम, श्याम, एक्सेट्रा जो हम जिनका नाम ले रहे हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स हुए। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है इंस्टांस ऑफ क्लास। क्लासेस जो हैं वो एक टेम्पलेट की तरह हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स बनाने के काम में आती हैं। तो अब जावा में हम क्लास किस तरह से बना सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, देन क्लास का नेम। नेम को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हम कॉमन प्रैक्टिस यूज़ करते हैं जावा में कि जो फर्स्ट करेक्टर ऑफ द नेम होता है वो कैपिटल लेते हैं, बाकी स्मॉल। अगर कोई क्लास का नेम दो वर्ड से मिलकर बना है तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर भी कैपिटल होगा। देन हमने इस एग्जांपल के अंदर दो मेंबर्स लिए आई एंड जे, एंड दो मेथड्स लिए गेट डाटा एंड पुट डाटा इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। गेट डाटा क्या कर रहा है, जो फंक्शन कॉल करेगा उसके आर्ग्यूमेंट जो पास होंगे उन्हें एक्स एंड वाई में सेव करेगा, एंड एक्स एंड वाई जो वैल्यू है आई एंड जे में उसे सेव कर देंगे। देन पुट डाटा आई एंड जे की वैल्यू को शो करने के लिए काम में आ रहा है। अब जो मेथड्स हमने इसमें डिफाइन किए हैं उनकी जो नेमिंग प्रैक्टिस है उसके लिए भी एक जावा के अंदर कॉमन प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, एक एज ए गुड प्रोग्रामर आप भी उसे अपनाएं। उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट करेक्टर है वो स्मॉल होगा लेकिन जो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट करेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे इसमें गेट डाटा में गेट का जी स्मॉल है बट डाटा का डी कैपिटल है। ओके, तो अब यहाँ पर हमने एक क्लास बना दी गेट डाटा। अब हमें एक मेन फंक्शन जिस क्लास में बनाना है वो भी क्लास बनानी पड़ेगी। तो एक क्लास बनाई सिंपल क्लास, जैसे इसमें दो वर्ड्स हैं तो एस एंड सी दोनों कैपिटल होंगे, स्पेस नहीं आएगा। देन हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए जो कि है डाटा का ए ऑब्जेक्ट, एंड देन विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर हम जो ए के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। देन हम डॉट ऑपरेटर से उस क्लास के उन मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, ए डॉट गेट डाटा कॉल हुआ, देन ए डॉट पुट डाटा। गेट डाटा में हमने दो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे 4 और 6 हमने पास किए जो कि एक्स एंड वाई में ट्रांसफर होंगे एंड आई एंड जे को वैल्यू असाइन हो जाएगी, एंड ए डॉट पुट डाटा उन वैल्यूज को शो कर देगा। तो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। मैंने इसे सिंपल क्लास डॉट जावा से सेव कर दिया है, तो इसकी कंपाइल करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्लास डॉट जावा ये कंपाइल हो गया, एंड देन रन कैसे करेंगे, सिंपल क्लास 4 और 6 इसने वैल्यू शो कर दी। ओके, तो ये है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।